नेक्स्ट जो सप्लीमेंट है जो बहुत ही पेटेंटेड सप्लीमेंट है हमारे इंडिया के लिए, और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका इस्तेमाल हम हमारे रेगुलर रूटीन में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसका नाम है करक्यूमिन। अब ये जो करक्यूमिन है ये चीज क्या है, तो जहां पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो तो स्क्रीन के ऊपर तो मैम हल्दी का पिक्चर है, तो करक्यूमिन और हल्दी का रिलेशन क्या है, तो हम जो हल्दी खाते हैं हल्दी में से जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी हमें मिलते हैं, जैसे कि हल्दी से एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, हल्दी आपके इन्फेक्शन को कम करती है, कफ कोल्ड में हम हल्दी देते हैं, गले में खराश है हमने हल्दी दे दी, जख्म हो गई स्किन के ऊपर तो हमने हल्दी दे दी, पर ये सारे जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है हल्दी की वो किसकी वजह से है, तो वो है करक्यूमिन की वजह से। तो हमारे हल्दी में जो है करक्यूमिन नाम का एक मेडिसिनल कंपोनेंट प्रेजेंट है जो आपके बहुत सारे फायदे देता है। तो बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्चेस किए गए जब पता चला कि करक्यूमिन असल में आपके बॉडी के ऊपर फायदा देता है, तो हल्दी में से करक्यूमिन को क्या किया, सेपरेट करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे करक्यूमिन का जो है असल में फायदा आपकी बॉडी के ऊपर लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से करक्यूमिन प्लस के कॉम्बिनेशन की क्रिएटिविटी यहाँ पे दिख गई। तो हमारा जो करक्यूमिन प्लस है वो तीन चीजों से मिलके बना है। पहला है करक्यूमिन, दूसरा है आमला और तीसरा है पाइपरिन। अभी जो करक्यूमिन, आमला, पाइपरिन, ये तीनों प्रॉपर्टीज अलग अलग लेवल पे काम करती है, तीनों इंग्रेडिएंट्स अलग अलग फायदे आपके शरीर के ऊपर देते हैं। करक्यूमिन के फायदे क्या क्या है, तो जो हल्दी आपको फायदा देती थी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, यही सारे फायदे आपको यहाँ पे अकेला करक्यूमिन देगा। इसके बाद है आमला। आमला के अंदर होता है विटामिन सी जो आपके बॉडी की इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है और आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी शो करता है। पाइपरिन क्या करता है, पाइपरिन मतलब क्या है, तो जब हम काली मिर्च हमारे घर पे इस्तेमाल करते हैं तो इस पाइपरिन का महत्व क्या है, तो ये जो करक्यूमिन है ये आपके बॉडी के ऊपर अच्छे से काम कर पाए और ये ब्लड एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे पाइपरिन आपकी मदद करता है, जो साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है। तो इट्स आइडियल कॉम्बिनेशन टू मेंटेन योर हेल्थ, टू मेंटेन योर मेटाबॉलिज्म, टू मेंटेन योर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। तो अभी यहाँ पे जो करक्यूमिन प्लस है इसके फायदे क्या क्या होंगे, ये आपके लीवर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है तो लीवर को प्रोटेक्शन देने के लिए ये आपकी मदद करेगा। शरीर के ऊपर सूजन की प्रॉब्लम हो जाती है, मैम घुटनों में सूजन है, फेस के ऊपर सूजन है, पूरे बॉडी में सूजन है, तो स्वेलिंग को, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए ये आपकी मदद करता है। एंटी कार्सिनोजेनिक, कैंसर सेल्स को भी इनिबिट करने के लिए ये आपकी मदद करता है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, कि कोई भी इन्फेक्शन है आपके शरीर के अंदर, कोई फंगल इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, तो इस इन्फेक्शन को भी कम करने के लिए यहाँ पे आपको करक्यूमिन मदद करता है। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स मतलब हार्ट से रिलेटेड जो भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, कि मैम कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, हार्ट के ऊपर जो है प्रोटेक्शन देना है, हार्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, तो हार्ट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए ये आपकी मदद करता है। साथ ही साथ आपकी पाचन संस्था से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, कि मैम पेट में गुड़गुड़ी होती है बहुत ज्यादा, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया सीवियर लेवल पे होता है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को भी कम करने के लिए यहाँ पे आपको करक्यूमिन जो है वो मदद करता है। और इसी के साथ में इम्यूनिटी बूस्टर, जो आजकल के जमाने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कि आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता मजबूत नहीं रहेगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम से आपको फेस करना पड़ता है। वन ऑफ द एग्जाम्पल आज आप दुनिया में देख रहे हो, तो आपकी इम्यूनिटी पावर एक प्रायोरिटी है आपके लाइफ की, तो रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत करने के लिए यहाँ पे करक्यूमिन आपकी सबसे ज्यादा मदद करता है। करक्यूमिन का परसेंटेज कितना होता है टर्मरिक में, तो अगर मैं एक टर्मरिक का रूट लेती हूँ, अगर मुझे उसमें से करक्यूमिन को सेपरेट करना है, तो उसमें से मिलेगा हार्डली 2-5%। नाउ यू जस्ट इमेजिन कि मैम हम रोजाना तो हल्दी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर करक्यूमिन के सप्लीमेंटेशन लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि रोजाना जो हम हल्दी यूज कर रहे हैं वो कितना यूज कर रहे हैं, हार्डली 1 टीस्पून, वो भी सारे खाने में जाती है। नाउ यू जस्ट इमेजिन कि वही सारा खाना मिल बैठ के हम हमारी फैमिली में खाते हैं, अभी इतनी सी हल्दी 4 लोगों में बट रही है, मान लो फैमिली में मेंबर है 4, हर एक के हिस्से में कितनी आई, हार्डली 1 मिलीग्राम, और उसमें से भी मुझे करक्यूमिन चाहिए, वो कितना मिलेगा, 0.00 में, मैं कैलकुलेट भी नहीं कर पाऊंगी। और उसमें से अगर मैंने पकोड़े बना लिए हैं हल्दी डाल के, या मैंने सब्जी को मस्त फ्राई किया है,
नाउ यू जस्ट इमेजिन कि उस करक्यूमिन से या वो हल्दी में से आपको करक्यूमिन कितना मिलेगा, तो क्या वो आपके डेली करक्यूमिन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा? नहीं। और इसी के कारण हम रोजाना हल्दी खाते तो है पर हम बीमार भी उतने ही लेवल पे पड़ते हैं। तो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत करने के लिए हमेशा ये आपकी मदद करेगा। इसका जो डोज होगा वो है आपको 2 से 3 कैप्सूल दिन भर में लेनी है। खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हो, 12 से 14 साल के बाद आप इसको लेना शुरू कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे फायदे यहाँ पे देने के लिए करक्यूमिन आपकी मदद करेगी।